बहुत है सुपर स्टार, बहुत है मस्त बराबर के रेडी भाई। मित्रों, नमता की रसोई में अपना का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं बघेलखंडी बुंदेलखंडी बड़ा के रेसिपी। बुंदेलखंडी बघेलखंडी में पूरे वर्ष भर घरे घरे में बनते रहा है, चाहे कौन त्योहार हो, शुभ कार्य हो, तो बड़ा मुंगौरा के बिना तो हमारे त्योहार ही नहीं हो। तो बड़ा लेकिन कौन विधि से बनाया जाए कि बहुत है टेस्टी बने, बहुत है सॉफ्ट बने, ये खीतिर आज हम लेकर के आए हैं बड़ा। एमा हम कुछ कुछ टिप्स और दिए हैं, तो अपना वह टिप्स यदि फॉलो करब तो अपना के बड़ा भी बहुत है सुपर सॉफ्ट, बहुत है बढ़िया बने के रेडी हुई जाइए। आज हम देखा कि यह टेस्टी सी रेसिपी बघेलखंडी बुंदेलखंडी बड़ा को कैसे बनावे। खीतिर हम लिए हैं उड़दा की दाल है, छिक्कल वाली हम उड़दा की दाल लिए हैं। आप ना चाहे तो धोई दाल की बना सकी थी, मैं जो छिक्कल वाली दाल के बड़ा है वो बहुत है मुलायम सॉफ्ट आवत है, यह लीन हम लिए हैं छिक्कल वाली या दाल। एक हम भिगे दिए हैं पानी में धोई के, और कम से कम 6 से 7 घंटा हम एक भिजो, चाहे तो अपना ओवर नाइट भिजो सके थे। देखिए दाल का हम धोल भिगो के धोई ली इन रगड़ के, एक छिक्कल उतार दिए ने, एक आध जौन साबित रही ओहन का छिक्कल एमा रही गया है, और बढ़िया से हम एक पानी निकाल दिए ने, परियायो लिहन है। तो अब हम ले एक मिक्सी का जार, अपना सिलौटी में पीस सकी थी, तो अगर सिलौटी ना है तो कोनो दिक्कत नहीं है। अब हम एक मर डालब यह दाल, ध्यान रहे एमा पानी ना होए, पानी का खास ध्यान एक एमा डालब। एक बार में हम इतनी दाल पीसब, अब फिर दूसर घान में एक पीस ले। अब एमा हम डाल दे थोड़ का हींग, ले लिए हैं हम हरा मर्चा डाल दे एमा, अदरक का टुकड़ा लिए हैं ओका बड़ा बड़ा टुकड़ा में ऐसे काट लिए हैं, यही में डाल दे। अब एमा हम डालब बिल्कुल एक इतना रेंच भर पानी, बहुत थोड़ का पानी फ्रेंड्स डालब, अगर आवश्यकता हुई तो जरा सा पानी और डालब। पानी का पूरा ध्यान रखब कि दाल हमार पातर ना हो, अगर दाल पातर हुई जाए तो हमार बड़ा निकिहा ना बनी है। लगा के एकदम फाइन पेस्ट बना के लाओ। देखिए हम मिक्सी में अच्छा गाढ़ा गाढ़ा या पेस्ट बन के रेडी हुई गया है, सबहिन का एक बाउल में पलट ले। फ्रेंड्स, एक दाल का अब हम हाथ धो लिए अच्छी तरह से, और एक दाल का इस यह मेश करके अच्छी तरह से लगातार 5 से 7 मिनट तक फेटा। फ्रेंड्स, फेटे में कोनो कोताही ना करा, काहे से जितनी दाल फिटी हुई उतन बड़ा हमार सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनी है। तो दाल जब तक फ्लॉपी फ्लॉपी ना हो जाए तब तक फेटत रहब। हम इस दाल में डालेंगे ऐसे कटे हुए धनिया के पत्ते। बड़ा मंग देखिए हम दाल का अच्छी तरह से 5 से 7 मिनट तक फेट ली नहीं, और दाल का पहचान यह है कि हम बाउल में हम ले पानी और मैं डाल दे थोड़ का दाल। देखिए दाल कैसे ऊपर तुरंत आ जाए थी, मतलब कि हमार दाल बिल्कुल फिट गए है, और देखूँ मैं देखी बिल्कुल फ्लॉपी फ्लॉपी सफ़ेद सफ़ेद दिखा लागी। तब बस बड़ा बनावे खीतिर हमार दाल बिल्कुल रेडी है। अब हम बनाओ बड़ा। बड़ा बनावे खीतिर हम चढ़ा दिए इन्हें गैस में तेल सरसों के, अपना कोनो खाने वाले तेल में बनाई सकी थी जो, लेकिन सरसों के तेल में स्वाद आवत है वह बहुत नंबर वन स्वाद आवत है। अब हम बना बिछाए दीने में कपड़ा पटा में, और का थोड़ का गील कर दीने, थोड़ थोड़ दाल इस तरह से हाथ में थोड़ का पानी लगाए के ए हमें एमा बिछाए दे। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत टेस्टी बनत है फ्रेंड्स। और हमारे बघेलखंडी बुंदेलखंडी में तो कोनो त्योहार हो, कोनो शुभ काम हो, तो वहाँ बड़ा बनते बनत है। का थोड़ का पानी का चिकना हाथ लगाओ हल्का सा, बिल्कुल उंगलियों के बल एक चिकना करके एक छेद जरूर बनाए दे। कहा था शुभ कार्य जब हो तो यह छेद वाले बड़े बनत है कि एमा
ये पानी का हाथ लगाएं और एका निकारें और या माँ छोड़ दें। जितने आसानी से आ जाएंगे उतना हम देखी यह मेर तुरते बन जात है और यह माँ तेल में छोड़ दे और फिर इन मेर ये बनाऊ। फ्रेंड्स गैस की फ्लेम हाई टू मीडियम ही रखा, कहे से अगर स्लो में कर दे तो तेल बहुत पी हैं। तो देखिए अब एक ओर हुई क्या है, हम दूसर ओर पलटा और दोनों ओर जब गोल्डन गोल्डन हुई जाई हैं तब हम निकारा। फ्रेंड्स हम अपना चैनल नमिता की रसोई माही बघेल खंडी बहुत सारी रेसिपी डाली है। इंद्रहार आयल डाल चने की भाजी बगजत गौरव डाली है, मुंगौरा की रेसिपी डाली है, कुरौरा की रेसिपी डाली है, बघेल खंडी और ट्रेडिशनल रेसिपी हम डालते हैं। देखिए हम पातर पातर बनाए हैं, अपना चाहे तो थोड़ा का मोटा बना सकते थे। का जब हम दही में फूलो उब तो यह बहुत बढ़िया नीक दही में फूल के बड़ा बड़ा चिकना चिकना बड़े ही सॉफ्ट सुपर सॉफ्ट बन करके रेडी होते हैं। देखिए दोनों ओर अच्छे लाल लाल हुई गए हैं, अब हम इनका निकाल ले। देखिए बढ़िया लाल लाल बड़ा बन करके रेडी हुई गई, चाहे तो अपना ऐसे खो खाई सकते है और नहीं तो दही में भिजो के तो बहुत टेस्टी लागत है। सरो विधि है, देखिए हम लिए हैं एक था चमचा जेमा दाल वाल बघा रही थी तो उनका सा पानी लगा दे और एमा ले ले एक गोला। देखिए जितने बड़ा बनावे कहो दाल पानी लगा लगा ऐसे एक देखी चिकना कर ले। बिगनरों से बहुत जल्दी बन जाते हैं, वह विधि सही रही है अपना का बस दाल का थोड़ का है कि गीली ना होए और धीरे से चमचा का या मैं रख दे। देखिए अब चमचा ने बड़ा छोड़ा शुरू कर दिया, यह देखिए बस पलट दे ऐसे। फ्रेंड्स एक साइज के और बिल्कुल चिकन चिकन देख रही हूँ कि बड़ा बन के रेडी होते से का निकाल ले और भी सब बड़ा हम एमा सेक ले। देखिए हमने इतने सभी बड़ों को निकाल लिए हैं, अब हम गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। देखिए सब बड़े ठंडे हो गए हैं थोड़ थोड़, अब हम एका दही में भिंजो। दही में भिजोए खातिर हम लिए हैं कुन कुन पानी, उंगली अच्छी तरह से डूब रही है। अहमा डारा हम आधा चम्मच नमक, हाफ टी स्पून साल्ट एक अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इन कुन कुन पानी में जितने आवश्यकता हो उतना हम बड़ा अहमा डाब दे, एक तरह से भिगो दे। भिगोए से गर्म पानी से फ्रेंड्स यह हो जाता है कि जो एक एक्स्ट्रा ऑयल होता है वह निकल जाता है और अंदर से नरम नरम हो जाई हैं। बस 5 मिनट ये बड़ा भीजे जाते हैं तब तक हमें का दही तैयार करब। हम दही लिए हैं बिल्कुल फ्रेश दही लिए हैं, तौल में देखा जाए तो यह 200 ग्राम दही है। एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर ले। दही का अच्छी तरह से फोड़ का फेट ले। दही अच्छी तरह से फिट गया है, एकदम क्रीमी क्रीमी दही हुई गया है। थोड़ा का पानी यहीं में मिला के देखी दही बढ़िया रेडी हुई गया है। अब हमें कुछ मसाले डाला, 1/4 चम्मच डाला भुना जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच डाला काला नमक, 1/4 चम्मच डाला लाल मिर्च पाउडर, 1/4 से भी कम डाला सादा नमक। इन सब का अच्छी तरह से मिक्स कर दे। देखिए दही हमारा रेडी हो गया है और जो हम बड़ा पानी में भिगोए रहे वह बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम लिए हैं सर्व करने वाली प्लेट। हाथों से फ्रेंड इस तरह से अंगुलियों से एका एक्स्ट्रा पानी हम निकाल दे। देखिए सगरा पानी एकर निचोए दिहेन है, अब ऊपर से हम डाल दे दही। फ्रेंड्स आप चाहें तो एहन में भिगोई सही की थी दही में एका, लेकिन ऊपर से एकर बढ़िया टेस्ट आवत है। अब ऊपर से डालब मसाला, भुना जीरा पाउडर डालब,
थोड़ का डाल दे, लाल मिर्च पाउडर थोड़ का, काला नमक, सब तो पड़े हैं पर से। अब डाला हम चटनी, थोड़ का डाला या सौंठ चटनी। देखिए हम अमचूर के सौंठ चटनी बनाए हैं, एक लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए हैं। एक भी डाल दे, थोड़ का डाला हरी चटनी, या ऑप्शनल है फ्रेंड्स। थोड़ का डाल दे प्याज कटी छोट छोट, थोड़ का धनिया की पत्ती कटी हुई, और दुई तीन टुकड़ा छोट छोट हम डाल दे हरी मिर्चा के। घेल खंडी बड़ा सर्व करने के लिए रेडी है। ते सुपर साग बहुत है मस्त बड़ा बन के रेडी भए हैं। फटाफट हमार बड़ा और दही बड़ा दोनों रेडी हैं। आप चाहे सूखे खाएं, चाहे दही में भिंजो भिंजो के खाएं, और एक दो दिन इनका तल करके रखो सके थे, दो तीन दिन बाद एका भिगो के खाई सकी थी। बहुत है टेस्टी, बहुत है सॉफ्ट उड़द के दाल के बड़ा के रेसिपी। अगर अपना का पसंद आवत है तो अधिक से अधिक लाइक करी, शेयर करी, कमेंट बॉक्स पर आपके आंसर का हम तो इंतजार करब। फ्रेंड्स हम अगर अभी तक अपना ने नमिता की रसोई चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरते नमिता की रसोई चैनल का सब्सक्राइब करी, बेल आइकन का क्लिक करी, ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले अपने के पास पहुँचे।